नमस्ते, मैं सुमनलता दीक्षित। आज मैं अपनी किचन में नो अनियन नो गार्लिक मसाला आलू बैंगन की सब्जी बनाने वाली हूँ, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। इसको रोटी, चावल, परांठा, जीरा राइस, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। और प्याज और लहसुन के बिना भी सब्जी बहुत अच्छी बनती है। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। दो तीन टमाटर, दो तीन हरी मिर्चें हैं, इनको अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। 1 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा है, इनको बारीक काट लेंगे। और ये 3 आलू हैं, इनको भी धो के काट लिया है। भरता बनाने वाले 4 बैंगन हैं छोटे साइज के, इनको भी धो के काट लिया है। गैस के ऊपर कढ़ाई रख दी है और इसमें 4 चम्मच सरसों के तेल के डाले हैं। तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें ये आलू डाल देंगे। आलुओं को उलट पलट करके फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम को ज़्यादा तेज़ नहीं करना है। आलुओं को मैंने 85% जो है वो पका लिया है फ्राई करके। अब इनको प्लेट में निकालेंगे। इसी तेल में आधा छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा फ्राई हो चुका है, अब इसमें टमाटर डाल देंगे और टमाटरों को भून लेंगे। टमाटरों को भूनते वक्त गैस की फ्लेम को तेज ही रखेंगे और इसको लगातार चलाते हुए भूनेंगे। इसमें आधा छोटा चम्मच हींग पाउडर डाल देंगे। स्वादानुसार नमक डाल देंगे। छोटे 2 चम्मच इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। हल्दी पाउडर इसमें 1 छोटा चम्मच डाल देंगे। और अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और टमाटर के साथ भूनेंगे इनको। अब मसाला ये भून चुका है, इसमें से तेल भी अलग हो गया है। और अब इसमें ये कटी हुई सब्जी डाल देंगे। और अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कर देना, बेल को प्रेस कर देना, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर देना। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और अब इस सब्जी में ढक्कन लगा देंगे और गैस की फ्लेम को थोड़ा कम कर देंगे। बीच बीच में इस सब्जी को नीचे तक चलाते रहेंगे। इस वक्त गैस की फ्लेम जो है वो धीरे है। अब सब्जी का ढक्कन हटा के सब्जी को चेक करते हैं। सब्जी पक चुकी है। इसको ढकने के बाद कम गैस पे 7 8 मिनट पकाया है। आलू पहले से ही पके हुए थे। अब गैस की फ्लेम को तेज कर देंगे थोड़ा और इसमें गरम मसाला डाल देंगे आधा छोटा चम्मच और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सब्जी में से तेल भी अलग हो चुका है, देखने में भी बहुत सुंदर लग रही है और खाने में भी टेस्टी है ये। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। सब्जी को एक सर्विंग बाउल में निकालेंगे। अब सब्जी के ऊपर हरा धनिया डाल देंगे। टेस्टी टेस्टी मसाला आलू बैंगन की सब्जी बनकर तैयार है। चलिए मिलते हैं अब एक अच्छी सी नई रेसिपी के साथ। बाय।